एक है सुसाइड ना, एक मुझे 50 साल शरीर में रहना चाहिए, 50 साल हुए, एक सेकंड के अंदर शरीर छोड़ता है, अब जहां 4 महीने का घर तैयार है, एक सेकंड में वहां चला जाता है, एक सेकंड में इधर उधर घूमता नहीं, भटकता नहीं, ये शरीर छोड़ा एक सेकंड में वहां चला जाएगा। तो ये आम जनरल, और एक है मुझे 50 साल शरीर में रहना चाहिए, 50 साल आगे डॉक्टर ऑपरेशन करते 40 साल में ही फेल हो गया, शरीर टूट गया, चलते चलते एक्सीडेंट हो गया, शरीर टूट गया, लेकिन आत्मा कहाँ जाएगी? 40 साल और 10 साल बाकी है, वो कहाँ जाएगी? उसको कहते हैं भटकते हुए आत्मा, उसको शरीर नहीं मिला, 10 साल तक वो घूमती है। तो वो आत्मा क्या करती है? जिसका भी मकान खाली है, कोई कमजोर है, उस शरीर में प्रवेश करती है, और उधर के मैं देवी हूँ, मैं सीता हूँ, मैं राम हूँ, मैं दुर्गा हूँ, ऐसे नाम लेके इनके घर में आती है। तो ये कौन सी आत्मा आती है? तो उसकी चाल वो देखना, कभी भी आप उनको पूछो जिसके शरीर में आते आप कौन हो, नाम नहीं बताएंगे, कहाँ से आए दृष्टि नहीं देगी। तो ऐसी आत्माएं जो भटकती है वो आत्माएं आती है, जो 10 साल के बाद शरीर छोड़ती जाएगी। फिर आप और एक भूत आत्मा है, भूत आत्मा क्या है? जो जान कुछ के सुसाइड कर लेते हैं, हत्या कर लेते हैं, परीक्षा में फेल हो गया, आपने बिजनेस में नुकसान हुआ, जान कुछ के शरीर को, तो वो किसके किसने दुख दिया उसके ऊपर जाके बदला लेते हैं, भूत आत्माओं की प्रवेशता होती है, उनको दुख देते हैं, क्योंकि वो दुखी होकर शरीर छोड़ता है। तो इनका ज्ञान मुझे शरीर कैसे मैं छोड़ता हूं, है ना, 50 साल हो गए, समय हो गया, ये शरीर छोड़ा तुरंत दूसरे शरीर में गए, एक सेकंड में घूमता नहीं इधर उधर। अगर एक सेकंड जो बाकी आत्माएं घूमती हो कौन, वो एक्सीडेंट से अकाल मृत्यु का उसका कलयुग में अकाल मृत्यु, समय से पहले वो कहां जाएंगे? मकान तैयार नहीं हुआ, पहले वाला मकान टूट गया, तो कहां जाएंगे? रस्ते पर घूमेंगे ना, मकान तैयार नहीं, तो वो भटकते हैं। वो जिसका मकान खाली मिला उधर घुस जाएंगे, जो कमजोर आत्मा है उनके घर में घुस जाएंगे। तो इसके लिए कहा नाम लेके, मैं ऐसे हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसे देखो सीता के पास कौन आया? रावण अपना पहचान करके नहीं आया, साधु बन के आया, सीता को पता ही चले कौन है, तो ऐसे रूप बदल करके आएंगे, कहेंगे मैं देवा हूं, देव हूं, ये हूं, ऐसा हूं। तो उसके लिए बाबा ने परखने की शक्ति बताया, सुना था पहले दिन परखना कैसे, अगर कोई कुछ कहता है उनसे आप ये स्मृति रखो कि मैं कौन, सर्वशक्तिवान शुभ बाबा का पूछा समझ के दृष्टि देखो, ऐसी आत्माएं कभी भी देखो दृष्टि से दृष्टि नहीं मिलाएंगी, शुद्ध आत्मा है वो दृष्टि से दृष्टि मिलाएंगी। व्यवस्था की है कैसे पर के कौन आया, कैसी आत्मा आई, है ना, तो हर चीज की विधि थी। तब बाबा का दर्शन अलग अलग रूप रंग लेकर के माया अलग अलग रूप से आती है और हम फंस जाते हैं, वो पहले अच्छी तरह से बताएंगे, है ना। देखो साधु का वेश लेके आता है कोई, और देवी हूं मैं, आपको अच्छी बात, ये दवाई ले लो, ये करो, आपका भला होगा, अच्छा होगा, बहुत कुछ सुनाएंगे, क्योंकि आप घर में रहना है, घर चाहिए, शरीर चाहिए, और शरीर के बिना नहीं सकते। तो ऐसी आत्मा कोई देव आत्मा किसी के अंदर आएगी शरीर के अंदर, तो पूछे कौन आता है, कैसे आता है, क्या ज्ञान सुना, तो सब की व्यवस्था चाहिए। तब कहा एक ही, कोई भी धर्म गुरु ये सब गए, कोई भी किसी के अंदर में नहीं आए, इसलिए गीता नहीं सुनाई दोबारा, गुरु नानक देव जी के कभी नहीं आए, कभी नहीं कहा मैं हूं कि गुरु नानक देव, किसी ने कहा मैं लक्ष्मी हूं, मैं राम हूं, कभी नहीं कहा, कहां गए? तब कहा कि शिव बाबा कैसे आता है, कंप्लीट पवित्र आत्मा चाहिए। अभी कुछ पत्रिका सत्य साहब बाबा शरीर छोड़ के गया, कहां गया? अब उनके इतने लाखों फॉलोअर्स है, उनकी कौन संभाल करेगा, तो वो दूसरों के तन में आ सकते हैं, आया नहीं आ सकता है, एक ही कर्मा के, क्यों? उन्होंने शिव बाबा को भगवान को याद करके अपने पाप मिटाया है, जो कर्मातीत होता है अपने पाप मिटाता है, तो वही पुण्य आत्मा में प्रवेश कर सकता है। इन सब का क्या चीज है,
समझ में आया कैसे संसार में चल रहा है। ठीक है, अभी माता का योग भी करना चाहिए, ज्ञान सुना बहुत सुना, योग करना चाहिए, योग शिक्षक योग करना चाहिए कि और सुनना चाहिए, योग करना चाहिए नहीं, सुनना ज्यादा हो गया, करना कम हो गया। शक्ति चाहिए, शक्ति के बाद ज्ञान कुछ काम नहीं करता है, ज्ञान को उपयोग करने के लिए शक्ति चाहिए। देखो आप गुस्सा करना नहीं चाहते हो, परिस्थिति आती है उस समय कंट्रोल करने का गुस्सा नहीं करना है, दृढ़ संकल्प के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति कहां से आएगी, योग नहीं है। देखो सारा दिन आप भी देखो सेंटर में सदा ज्ञान में 10 साल 15 साल चलते हो, मुरली सुनते हो, योग करता हूं योग नहीं, शाम को योग नहीं, मुरली सुनते हो, ज्ञान सुनते हो, लेकिन योग नहीं। घर में करते हो बैठे तो नींद आएगी, कभी उठे कभी नहीं उठे, नींद आती सवेरे उठते हो, आती है देखो दिन भर में जी कहते आती है, पता नहीं को नींद आती, कोई देखता नहीं है, बाबा कहते देखता हूं से बच्चे योग में बैठे नींद आ रहे हैं, क्यों मन बुद्धि नहीं चलती है ना। तो योग दिखाने के लिए नहीं करते अपने लिए, इसके वातावरण अच्छे अच्छे वातावरण में संगठित रूप में बैठ के योग करते हो तो शक्तिशाली भाई योग करते हो, मुरली सुनते हो, रोज करते हैं, जो रोज सवेरे योग करते हो आप उठा उठे सभी सभी मुरली सुनते हैं, ज्ञान सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन शक्ति नहीं है, इसके लिए संस्कार प्रयोग क्योंकि दो आपका दोष नहीं है। घर में माता जी अकेले चलते, सब लोग सोए हुए हैं, लाइट लगा के उठ के योग करके सब लोग चिल्लाएंगे माता जी कहां सवेरे उठ गए, सबके नींद मिटा दिया है ना, इसलिए नहीं हो सकते। अलग 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 कमरे होते नहीं है, अलग उठ के योग करो तो दूसरों को सभी लोग ज्ञान में नहीं चलते, इसलिए योग नहीं होता। मुझे सुनने के लिए इधर आए है ना, सवेरे आए आने के पहले भी यहाँ आधा घंटा योग होता है और फिर मुरली समय पर लेट पहुंचते हो, तो योग सब जगह देखा, बाहर सेंटरों में सब जगह योग नहीं, ज्ञान सुनते हैं, इसका ताकत नहीं है, दोनों चाहिए, ज्ञान भी चाहिए योग भी चाहिए। तो अभी हम योग करें कि नींद आएगी, कल जैसे ना माता जी को पूछ लिया परिवार से कोई ज्ञान में चलते कोई जैसे ज्ञान में चलते हैं सभी तो हाँ ज्ञान में चलते तो उसके संबंधित बाबा के घर में दे सकते हैं। अगर कोई नहीं चलते तो आप कहेंगे दूसरों की है आप ज्ञान में चलते हो, अगर वो उनके संबंधी देना है वो नहीं चाहते हैं तो फिर नहीं होगा, सभी की समझ यहाँ भगवान की सेवा में कर रहा हूँ तो वो बाबा की सेवा में लगा सकते हैं, ये उनका पुण्य जमा हुआ है। आपको बताओ बताने जाओ तो एक रियल कहानी बताता हूँ, कहानी नहीं समझेगा। देखो अंबाजी करके मधुबन के नजदीक अंबाजी है, सुना अंबाजी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर, अभी देखो पूर्णिमा के दिन में 19-20 लाख लोग थे अंबाजी दर्शन करने के, तो वहां सेंटर बनाना था, तो सेंटर बनने के वहां जगह नहीं, क्योंकि धर्मस्थल है बहुत लोग आते हैं, जगह नहीं मिलती, तो क्या करें, एक सेंटर में एक जगह पर दो भाई थे, वो सेंटर के मुख्य भाई है, सब कुछ सेवा करते थे, तो वो बिजनेस करते थे मकान बनाना सब कुछ करना, सेंटर में समर्पित पूरा हर प्रकार के सेंटर की सेवा करते थे, लेकिन उनका दोस्त उनके दोस्त के बेटे ने शरीर छोड़ा, तो उसने कहा आप लोग भोग लगाते हो मेरे बेटे का भी भोग लगाओ, वो क्या नहीं चलते, तो उस भाई ने आके दीदी किचन को बताया कि हमारा दोस्त कहता है उनका बेटे ने शरीर छोड़ा, दीदी आप भोग लगाओ। दीदी ने कहा हम अज्ञान का भोग नहीं लगा, वो अज्ञान नहीं ज्ञान में नहीं चलता, उनको हम भोग नहीं लगा। फिर दोबारा आया दीदी लगाना चाहिए, अज्ञान है बाबा का मददगार है मेरा दोस्त है लगाना चाहिए, तो दीदी ने फिर भी मना किया, फिर भी माना नहीं, बार बार कह दीदी लगाना चाहिए मददगार हमारा दोस्त है बाबा से पूछ लो। उस दिन गुरुवार के दिन बहन जी भोग लगाने जा रही है, तो उन्होंने कहा बाबा से पूछ लो ये भाई कहता है मुख्य अनन्य होता है ना मदद करता है, तो बाबा से पूछ लो, तो बाबा ने कहा बच्ची लगाओ
देखना बाबा को संदेश है, बाबा ने बाबा को पूछा, बाबा ने कहा उसको भोग लगाओ। अभी देखो भोग लगाया, भोग में लेके गए ऊपर, एक लड़का आया हाफ शर्ट पहना है, बहन जी ने तो देखा नहीं भोग लगाया। आया दीदी मैंने आपका माउंट आबू में ऑप्शन भी बहुत देखा है, मेरी यहाँ जमीन है और आपके सब लोग जाके वहां जमीन ढूंढ रहे हैं, किसी को पता नहीं, पिताजी को पता नहीं, मेरी जमीन है, वो जमीन आप बाबा की सेवा में यूज करो, हमारा दोस्त आके आपको पत्र लेटर सब पिता ये देगा, पत्र सब देगा। बहन जी नीचे आई, तब तक दरवाजे पर एक भाई आया, ये मेरे दोस्त ने पेपर दिया, तब तक बहन जी सुनाई रहती है, तब तक वो आया पेपर आया और अज्ञानी ज्ञान में नहीं, सिर्फ ऑप्शन के भवन देखा हुआ है। आज अंबाजी का सेंटर उस जमीन पर बना है। बाबा किसी किसी आत्मा का भी सफर करता है, ध्यान में नहीं चलते हुए भी कहीं पुण्य आत्माएं हैं, अच्छी आप बाबा जानता है, इसलिए सब कुछ बाबा से पूछते हैं। तो बाबा से सभी के लिए नहीं, जो कहीं आत्माएं पुण्य आत्मा है, कोई पाप नहीं करते, अच्छी कमाई करते हैं। तो बाबा तब कहा किसी का धूल में मिल गया, किसी का राजा का के गया, किसी का सफल होता है ना, जो पुण्य आत्मा अच्छी तरह से बाबा हर एक को जानता है, तो उसकी जमीन पर आज सेंटर बना है। बाजी धर्मस्थल को देते भी नहीं, तो समय किसका सफल करता है, जैसे माता जी ने कहा कोई पुण्य आत्मा अच्छी आत्मा है, उनकी कमाई भी अच्छी है, बाबा जानता है। हाँ अच्छा व्यक्ति है पुण्यात्मा, उसका सफल करता है, ठीक है, समझ में आया। तो अभी जी बिना पूछे अगर उसे लगा दिया है, जैसे कि गरीब का अगर किसी के नाम पर लगा दिया बिना बाबा को पूछे, तो उसको मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ वो पीछा नहीं बाबा से, अगर सेंटर में भोग भी लगाना है बहन जी को बताओ, बहन जी भी क्या करती है अपने आप मानी जाएगी, सवेरे अमृत वेले बाबा के कमरे में बैठती है, बाबा ये आपकी बच्ची रोज क्लास में आती है, योग भी करती है, धारणा में चलती है, 10 साल से ज्ञान में चलती है, उनका बेटा ज्ञान में नहीं चलता है, उन्होंने शरीर चढ़ाओ माता जी के लिए भोग लगाना है, बाबा लगाए तो हर महीने भी सेंटर में अमृत वेले योग में बैठे सब बाबा को हर बात पूछती है, और बाबा उनको बता बच्ची हाँ या ना, ठीक है उनको दिशा में बताता है, तो वो भी पूछ के करते हैं। शास्त्र में जो निमित्त टीचर है हर चीज बाबा से अमृत वेले पूछती है, हर घर सेंटर में कुछ होता है, कभी किसी ने कुछ कहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नियम है ना, बाबा को पूछ के सेंटर में हर कार्य करते हैं, तब बाबा रक्षक है, एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हर एक को बाबा रक्षक होगा, तब का एक ही टीचर है, एक ही माँ बाप है, हम सब बच्चे हैं, तो बाबा की नजर हर बच्चों के ऊपर है, हर सेंटर पर कैसा देखो दरवाजे खुले हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है पता नहीं, कौन कर रहा है, तो करण करावन हार सब कर रहा है, हर एक बच्चों के ऊपर ध्यान है। उदाहरण बताओ कैसे बाबा देखता है, एक सेंटर में दो बहनें रहती थी, दोनों लोग की बहन है, एक बहन भोग लगाती थी, एक बहन खाना बनाती थी, एक बहन भोग लगाने बैठी तो उसको बार बार विचार करता है, बच्ची सेंटर छोड़ के जाओ, आप भोग लगाने पे पापा ऐसे विचार क्यों दे रहा है, भोग लगाने तो बच्ची सेंटर छोड़ के जाओ, तो उसको लगा आप मेरा ठीक नहीं पर, तो दूसरी बहन खराब बन गई, उसको कहा आप तुम भोग लगाओ, क्यों नहीं आप लगाओ, तो वो खाना लग करके आके उसको भी वही विचार, बच्ची अब का सेंटर छोड़ के जाओ, सेंटर छोड़ के यही विचार आ रहा है, तो उसने पूछा आप क्यों बोलने लगा क्या हुआ आपको क्या हुआ, उसने क्या बाबा बोल रहा है सेंटर छोड़ के जाओ, सेंटर खाली करो जल्दी से जल्दी जाओ, कहते मुझे भी वही विचार आया, तो तुरंत उन्होंने कैसे जाए प्लेग से जाना प्लेग कहा श्रीलंका में, जब स्वतंत्र हुआ मद्रास वाला ने सेंटर खोला था, जब वो स्वतंत्र हुआ तब होने से पहले बदखे जा नहीं सके, तो तुरंत एरोप्लेन प्लेन वालों को बोला भाई जी हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन हमको मद्रास जाना है, 5 मिनट के अंदर जल्दी से जल्दी लास्ट प्लेन जा रहा है, तो ऐसे चक्कर छोड़ के गए और श्रीलंका स्वतंत्र हुआ, दोबारा आप जा नहीं सकते, तो बाबा हर बच्चों का ध्यान देता है, हर बच्चों के ऊपर दिच होता है देखता है,
हर एक सेंटर बाबा के आज इतने कैसे चल रहे हैं, एक ही बहन रहती है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हर जगह पर एक जगह सेंटर में देखो दो बहन थी, एक बहन मार्केट में गई, एक ही बहन थी, एक बंदूक वाला आतंकवादी आ गया, चाबी दे दो पैसा ले लो, उन्होंने कहा देखो भंडा ले रखी है ले लो, तो लेने के लिए गया, बाबा को देखा अपने आप चुपचाप खाली चला गया, बाबा रक्षक है, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, हर एक जगह पर बाबा देखता है बच्चे क्या खाते हैं कैसे चलते हैं, हर एक आत्मा के ऊपर बाबा की नजर है, ऐसा मनुष्य नहीं बनेगा, ऐसा राज्य नहीं देगा, देखता है, जैसे घर में माँ बाप बच्चों को देखते हैं, नजर रखते हैं, बच्चे कैसे चलते हैं क्या करते हैं, तो ये भी माँ बाप है, इतने हजारों कारण है कि कैसे बाबा सारे आज भारत में इतने चल रहे हैं, विदेश में देखो एक एक जगह पर कैसे लगे लगे होते हैं, भारत में कई जगह पर कई एक एक बहन लगी है, तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं, कौन चला रहा है कौन देख रहा है, ऐसे कलयुग दुनिया में कैसे चल रहे हैं, तो बाबा के हरेक बच्चों के पर नजर है, हरेक को देखता है, हरेक की रक्षा करता है, सम्मान का नजर आपको सुना था, जो बहन को दे दो मकान दे रहा है, नहीं बहन को भी टचिंग दिया बच्ची नहीं लेना है, हर एक बच्चों को कहीं भी जाते कुछ खाना भी लेते हैं ना, संकल्प आता है नहीं खाना चाहिए, तब बाबा दृष्टि देना भी बाबा को याद कर बाबा ये खाए, आपको देखते ही इच्छा रहा है, बाबा को याद कर बाबा को याद कर कि बाबा ये खाना स्वच्छ खावे, दृष्टि देना फिर देख देख करके खाना इतना ही नहीं, तो बाबा अगर बच्चों के लाइन क्लियर है स्वच्छ है, बाप बच्चों को गलत चीज खिलाएगा नहीं, कभी खाना बनाते समय किसी के मन में कुछ चलता है तो बाबा कहते बच्चे ये नहीं खाओ, आपको विचार है ठीक नहीं खाना नहीं चाहिए है ना, आपको खाओ, देखो एक जगह सेंटर पर मैं गया, एक बहन मधुबन में ग्लोबल हॉस्पिटल में 28 साल से थी, उनकी माँ बहुत बीमार हुई, मैं सेंटर में गया तो वो बहन आई, भाई जी माता जी बहुत बीमार, एक मिनट मिल के जाओ, वो टीचर ने सुन लिया, टीचर कहने नहीं अभी कोई घर में इधर नहीं जाएंगे, ट्रेन जाना लेट हो गया सीधा स्टेशन पर जाएंगे, मैंने कहा चुप अगर ट्रेन लेट हो गया कुछ हुआ तो आऊंगा, आप रास्ते पर खड़ा हो, तो पूछा रास्ते पर गाड़ी में जाते जाते क्या घर एक घंटा ट्रेन लेट है, तो बहन टीचर भी थी रुके बीच में उनके घर में गए, माता जी बीमार थी बाहर बैठे कुर्सी रखा, उन्होंने क्या किया जाते ही सबको कप में प्लास्टिक के कप में कोल्ड कॉफी का हमने कभी देखा ही नहीं, प्लास्टिक के कप में सबको दिया, तो माता जी बैठी थी देखा देखा थोड़ा ठीक थी, तो इन्होंने भी पिया, मैंने देखा पिया मुझे प्लास्टिक का कप में, ना को तो उनको भी बुरा लगेगा, तो क्या करने का बहुत गर्मी लग रही, ठंडा पानी ले लो, इस हिसाब से पानी का ग्लास लिया और ये लिया, ये भी नहीं पिया ये भी नहीं पिया, दो दो माँ के लिया, अगर मैं पिता नहीं हूं तो उनके मन में विचार चलेगा देखो इन्होंने लिया, इन्होंने हमारे घर में आए कुछ लिया नहीं, भाई जी ये ले लो कहेंगे, हमें कहा गर्मी लग रही ठंडा पानी ले लो, माँ के लिया ये ग्लास इधर रख दिया, ये भी ले लिया पानी भी ले लिया और रख दिया, युक्ति से चलना चाहिए, तब बाबा ने कहा कई जगह पर कुछ मिलता है कुछ लेते हो दृष्टि में आप देखते हैं आपको इच्छा होता है शुद्ध मन है, बाबा कहे बाबा ये खाओ, बाबा कहते ठीक ठीक नहीं है, नहीं विचार आता है बाबा हर एक बच्चों को टचिंग देता है, नहीं क्या करे खाना चाहे क्या होगा, तो जिसको निश्चय नहीं है हर एक आत्मा को देखो कोई भी गलत कर्म करता है गुस्सा करता है उसको मन में विचार आता है ये नहीं करना चाहिए, ये संकल्प करते हैं वो भी गुस्सा करते हैं दूसरों का उदाहरण देते हैं, हर एक आत्मा के अंदर शिव बाबा का बच्चा है, हर एक को अंदर टचिंग आती है, लेकिन कोई मानता है कोई नहीं मानता है, अपने को भी विश्वास नहीं आता है, तब कहा सबका सुनो दिल का मानो, दिल बुद्धि है ना, सच्चे दिल पर सद्बुद्धि हर एक को गलत करते समय बताता है ये ठीक नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए ये नहीं खाना चाहिए, हम दूसरों का बताते वो भी करता है वो भी करता है सब लोग करते हैं, हर एक को अपना दिल बताता है ऐसा है ना, हर एक को बताता है अंदर आवाज आता है हम मानते नहीं, तब का सबका सुनो अपना दिल का करो,
दिल हर एक को सच्चा होता है। मैं गलत बता सकता हूँ लेकिन आपके दिल सच्चा नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है ना। हर एक के अंदर आत्मा है, शिव बाबा का बच्चा है, अभी भी जो है मुझे नहीं, वो हर एक को अभी भी बताता है। तो उसको रोज तेल डालते रहेंगे तो दीपक चलता है, रोज ज्ञान योग करते रहेंगे तो आपकी बुद्धि स्वच्छ होगी। उसको कहते हैं दिव्य बुद्धि। वो गलत कर्म करना नहीं देगी आपसे, गलत कर्म करने की भी परिस्थिति आएगी तो भी कोई ना कोई परिस्थिति आपको रोक देगा, परिस्थिति भी आएगी। तो अगर आप रोज ज्ञान योग करते दीपक पर रोज ग्रंथ डालते हो तो दीपक जला रहेगा, नहीं तो दीपक तो जल रहा है तो बाहर का वातावरण बुझा देगा। तो फान वो उसका जिसके अंदर रोज घी नहीं डालते हैं, रोज ज्ञान योग अपने तरफ से करते रहो तो दीपक जलता है। कितना भी तूफान आए हो, कितनी भी परिस्थिति आए हो, भगवान रक्षक है, वो याद दिलाएगा, बचाएगा। परिस्थिति ऐसी आएगी तब कहा रामायण में कहते हैं कि राम एक जगह पर पंचवटी में अकेला हो गया, सीता को कहीं लक्ष्मण भी गया तो खर भूषण करके राक्षस राम पर हावी हो जाते हैं, तो राम के सारे अस्त्र खत्म हो जाते हैं। तो क्या करो, सब अस्त्र हावी हो जाते इसके ऊपर। तब आकाशवाणी होती है राम आपके पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो। तो वो अस्त्र छोड़ते समय मिनट में लोग ठीक हो जाते हैं, ये कहानी है। ऐसे आप भी रोज मुरली सुनते हो, मुरली के पॉइंट धारण करते हो, आपके जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति आती है कुछ भी नहीं, क्या करो, कोई नहीं चारों तरफ, क्या करो बाबा, क्या करो बाबा, तुरंत आपको टेंशन हो, जी ऐसा करो बच्चे, ऐसा करो, ये भगवान का टेंशन है। इसको कहते हैं बाबा ने रक्षा किया, बाबा ने मदद किया। तो रोज जो करते रोज ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान धारण करते हैं, अंदर है तो वो टचिंग करता है, वो रक्षा करता है। तो राम के पास बहुत साधु सन्यासी ने दिया था अस्त्र, अंदर था भूल गया था, तो आकाशवाणी हुई। ऐसे यहां भी रोज आप मुरली सुनते हो, याद रखते हो, वर्णन करते हो, अंदर जमा है, कोई परिस्थिति आती है क्या करो, याद नहीं है, सुस्ता नहीं है, उस समय बाबा आपको टचे बच्ची ऐसे करो। हाँ फिर याद रखा है, दो दिन पहले बाबा ने मुरली में खा था, दो साल पहले बाबा ने खा था, तब याद रखा, अंदर है वो बाहर आता नहीं। इसलिए रोज ज्ञान जमा, समय पर स्थिति आती है तो बाबा आपके द्वारा आपके आपका लक्ष्य है, उसको कहते हैं बाबा की टच, भगवान ने मुझे बचाया है ना, ऐसे बाबा मदद करता है। ठीक है, समझ में आया, अभी आधा घंटा ही रहेगा, अभी योग करना चाहिए। जिसको जल्दी जाना है तो जल्दी उतर, बीच में उठना नहीं है ना। और योग कैसे करना दोबारा बताता, भूल गए होंगे। हाँ, योग में बैठे आंखें खोल के आराम से बाबा को देखते रहो और अपने आप से बात करो, मैं कौन, फिर मेरा रूप, जवाब है आपके पास, मेरे गुण, फिर मेरे कर्म, फिर मैं कहां से है, ये पांच प्रश्न भूलना नहीं। योग लगाने की विधि है, बैठते अपने आप से बात करो, मैं कौन, मेरा रूप क्या है, मेरे गुण क्या है, मेरे कर्म क्या है, मैं कहां से, परम धाम से, परम धाम में कौन है, कौन है बेटा, आशी बाबा कौन है, और आपके पिताजी के पास क्या है, पानी का सागर है, पानी का सागर, धूम का सागर है, बाबा के पास आठ शक्ति, कौन सी, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, दुख का सुख का, मुक्ति जीवन मुक्ति का, भाग्य विधान का, दिव्य बुद्धि, एक एक शक्ति लेके बात करो बाबा से, बाबा आपके जो पवित्र न पवित्रता के सागर को शरीर तो है नहीं आपके पास, हाँ आपके मन में कोई देह धारी के विचार नहीं चल रहा है, आपके बुद्धि में कोई किसी का ख्याल नहीं चल रहा है, आपके अंदर कोई पुराने संस्कार नहीं, ज्ञान और शक्ति है, एक एक शक्ति लेके बात करते हो, खाली नहीं बैठना, खाली बैठेंगे तो नींद आएगी, इधर उधर के विचार आएंगे, तो मन बुद्धि चलती रहना चाहिए, अपने आप से बात करते रहो है ना, इधर देखते रहो, अपने आप से पूछो मैं कौन, तुरंत बुद्धि कहेगी मैं सर्वशक्तिमान शिव बाबा का बच्चा हूं, खाली नहीं, चलेगा, कर सकते हो कि नहीं,
पता नहीं चलेगा, याद रहेगा मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, ये आत्मचिंतन है। आत्मा का चिंतन करते करते परमात्मा चिंतन, तो आत्मचिंतन कैसे करो वो विधि बताया। परमात्मा प्रभु चिंतन करो कहते, प्रभु का चिंतन कैसे करें वो विधि। प्रभु कौन? वो पवित्रता का सागर है, वो हमारा बाप है। बाबा मुझे आपके जैसे करना है, तो आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। आत्मचिंतन प्रभु चिंतन अलग अलग भाषा है, विधि चाहिए। समझ में आया? ठीक है, करें।